तो आज हम श्रियांश को फर्स्ट डे स्कूल लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो श्रियांश, श्रियांश हेलो करो सभी को, सभी को हेलो करो। हेलो, बाय नो बाय, से ओनली हेलो। बाय तो श्रियांश काफी एक्साइटेड है स्कूल बाय जाने के लिए। देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं चल के कि कैसे यूके में बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, ठीक है? चले श्रियांश, फिर चले स्कूल। कैसा लग रहा है आपको? चले, चलो ओके, सभी को बाय कर दो, फिर स्कूल में मिलते हैं। बाय कर दो सभी लोगों को। वेरी, श्रेयांश रेडी हो गया है, बस अब लेके चलते हैं। वो कह रहा है नहीं, मुझे कैप्चर मत करो, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। श्रेयांश चूज करेगा। और अगर मौसम की बात करें तो आज 14-15 डिग्री टेम्परेचर है, बट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। यूके में ना ट्रैफिक रूल काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब रेड लाइट तो रेड लाइट। आप निकाल ही नहीं सकते। अगर आपने जो उन्होंने लाइन बनाई हुई है, उस लाइन से अगर थोड़ी सी भी गाड़ी एक्स्ट्रा आगे आ जाती है तो फिर उनका चालान उनके घर ही पहुंच जाता है सीधे। तो ये काफ़ी अच्छा रूल लगता है मुझे यहाँ का। लेके जा रहे हैं उसे उसके स्कूल। श्रेयांश बस वीक में 2 दिन स्कूल जाता है, और मंडे और थर्सडे। मंडे को 1 बजे से 2:30 बजे तक, और थर्सडे को भी 1 बजे से 2:30 बजे तक। देखते हैं, बट वहाँ बच्चे काफी प्ले करते हैं ना, तो श्रेयांश को भी बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी है गाइस, साउथैम्पटन में काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब आपका स्कूल आ गया है। श्रियांश सो के उठ भी गया, रास्ते में सो गया था। बस हम रोड क्रॉस करते हैं, फिर चलते हैं श्रियांश के स्कूल में। और 5 मिनट्स का डिस्टेंस बचा है, तो हम अब आ गए हैं श्रियांश के स्कूल में। ये लो वैली में है, चलते हैं अंदर, बट शायद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तो उन्होंने बताया था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, चांस ने अपने स्कूल में प्ले कर लिया है। और अब बाद में उसको भूख लगाई तो वो अपना एप्पल खाएगा। वो एप्पल को आपा कहता है, आपा। ये है स्कूल। एक्चुअली पहले हम लेट हो गए थे तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया प्रॉपर। अब
अब हम आपको दिखा देते हैं। तो जिन लोगों के भी बच्चे अगर 0 से 2 इयर्स तक के हैं तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। न्यू बॉर्न बेबी को भी ये लोग अलाउ करते हैं, उनकी मदर को कैसे फीड कराना है वो सब बताते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। श्रीजांश को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, जब भी गाड़ी निकलेगी श्रीजांश मुड़ के जरूर देखे। घर पे चल के हम आपको यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को कैसे प्ले करवाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के साथ में रहते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं तो इतने बच्चों को संभालना, उनका स्टाफ 5-6 लोगों का होता है, बच्चे काफ़ी होते हैं तो इसलिए मुश्किल होता है, तो वो पेरेंट्स को साथ में रखते हैं। तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखेंगे खुद, और वो लोग एक्टिविटी भी करवाते हैं, बाद में पोएम वगैरह करवाएंगे, ये सब चीज़ें। तो घर पे चल के हम आपको शेयर करेंगे। मिर्ची लग गई आपको? तो अब हम अपना लंच करते हैं। वहां पे क्या है, बच्चों के लिए सारे प्ले आइटम रखे हैं उन्होंने, बुक्स रीड करने के लिए है, और केक बनाने के लिए है, बच्चों के लिए आर्टिफिशियल केक बना सकते हैं वो, स्लाइडर है, और ब्लॉक्स कैसे होम बनाना है, और माइक्रोवेव, फ्रिज कैसे उनको ऑपरेट करना है, मतलब ये सब चीज़ें रखी हुई हैं बच्चों के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, श्रीजांश भी फुल टाइम वहाँ पे एंजॉय करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। श्रीजांश को लगता है मिर्ची लग गई। और ठीक है गाइस, अब जब नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे तो फिर लेके चलेंगे आपको, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ओके बाय, फिर मिलते हैं। श्रीजांश देखो बैलून पे बैठ के एप्पल खा रहा है अपना।